हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 चैप्टर 5 द जुडिशियल सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले ऑलरेडी मैं इस चैप्टर की वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले देख लें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम स्टार्ट करें हमारे स्टूडेंट्स नया टॉपिक, व्हाट एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज। क्या होती है इंडिपेंडेंट जुडिशरी? सपोज यू आर लिविंग इन अ जुडिशियल सिस्टम वेयर इन अ मिनिस्टर हैज द पावर टू अपॉइंट एंड डिसमिस अ जज। आप सपोज कीजिए कि आप ऐसे जुडिशियल सिस्टम में रह रहे हैं जहाँ पर मिनिस्टर को सारी पावर है अपॉइंट करने की भी और जज को डिसमिस करने की भी। यू हैव प्रॉपर्टी डिस्प्यूट विद द मिनिस्टर, और अब आपके पास प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो जाता है मिनिस्टर से। व्हेन द मैटर इज टू बी डिसाइडेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, द जज इज मोस्ट लाइकली टू डिलीवर अ जजमेंट विच इज फेवरेबल टू द मिनिस्टर, और जज भी वो डिसीजन देता है जो फेवरेबल रहता है मिनिस्टर के लिए। तो वाई? बिकॉज ही इज ऑब्लाइज द मिनिस्टर एंड इज अफ्रेड टू डिसप्लीज हिम फॉर फियर ऑफ बीइंग डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस। और वो ऐसा क्यों करता है? क्यों मिनिस्टर बहुत ज़्यादा डरा हुआ रहता है, क्योंकि उसको ये फियर रहता है कि अगर मैंने ऐसा नहीं कहा तो वो मुझे ऑफिस से डिसमिस कर देगा। तो ही इज़ नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते हम। देयरफॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड फॉर एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इस वजह से जो हमारी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके अंदर इंडिपेंडेंट जुडिशरी प्रोवाइड की गई है हमें। द कोर्ट्स आर नॉट अंडर द गवर्नमेंट एंड डू नॉट एक्ट ऑन देयर बिहाफ। जितने भी कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होते, ना ही उनके बिहाफ पे वर्क करते हैं। द पावर एंड फंक्शंस ऑफ थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली डिफाइंड, और जो पावर और फंक्शंस है थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के वो क्लियरली डिफाइंड है। देर इज़ अ प्रोविजन फॉर द सेपरेशन ऑफ पावर्स, और पावर्स को भी सेपरेट किया गया है। द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर कैन नॉट इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ जुडिशरी। ना तो एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर दोनों इंटरफेयर नहीं कर सकते। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी कब अपॉइंट किए जाते हैं? प्रेसिडेंट भी क्या करता है? कंसल्ट करता है जो चीफ जस्टिस है इंडिया के उससे, एंड अदर जजेस से भी कंसल्ट किया जाता है। दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस ओनली बाय द प्रेसिडेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ प्रूव्ड मिसयूज ऑफ ऑफिस, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। और उनको रिमूव भी किया जा सकता है अगर वो मिसबिहेव कर रहे हैं। प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है अगर उन्होंने कुछ गलत एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व है। तो टू दिस अ रेजोल्यूशन हैज़ टू बी पास बाई बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट बाई द मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस एंड बाई 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। और ऐसा करने के लिए भी एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है दोनों ही हाउस के पार्लियामेंट से, और मेजोरिटी मेंबर्स अगर सहमत होते हैं और 2/3 मेजोरिटी मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं और वोट करते हैं, तो दस रिमूवल ऑफ जज इज़ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस एंड अनलेस देर इज जनरल कंसेशन अमंग मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट अ जज कैन नॉट बी रिमूव। तो जज को हटाना एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। जब तक कि जनरल कंसेंस नहीं हो, अलग जो मेंबर्स है वो एग्री नहीं हो उसके बिहाफ पर, नहीं तो उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। मोर ओवर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स द डिस्कशन ऑफ द कंडक्ट ऑफ अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट एक्सेप्ट अपॉन अ मोशन फॉर एन एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ जजेज। और कॉन्स्टिट्यूशन भी इसमें फॉरबिड करती है, और ये कंडक्ट करती है कि जो भी जज है सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का उसको एक मोशन एड्रेस करना पड़ता है, मतलब प्रेसिडेंट के साथ, और उसको रिमूवल मतलब आप इतनी आसानी से रिमूव नहीं कर सकते किसी जज को। तो जो सैलरीज है अलाउंसेज है जज के कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफ ऑफिस, रिड्यूस भी नहीं कर सकते आप एट द टाइम ऑफ जब काम कर रहा है वहाँ पर। तो देर आर मैनी अदर प्रोविजन इंश्योरिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंडिया। बहुत सारे प्रोविजन है जो जुडिशरी को क्या बनाते हैं? इंडिपेंडेंट बनाते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सो दैट द जजेस कैन डिस्चार्ज देयर ड्यूटीज विदाउट फियर और फेवर एंड विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर। और ये बहुत ज़रूरी है कि इंडिपेंडेंट रहे जुडिशरी, तो जजेस क्या कर सकते हैं? अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभा सकते हैं, और उनको कोई डर भी नहीं रहेगा, ना ही वो किसी का फेवर करेंगे, और कोई इंटरवेन नहीं करेगा, ना तो एग्जीक्यूटिव ना लेजिस्लेचर। तो इट डज नॉट मीन दैट द जुडिशरी कैन एक्ट द आर्बिट्री मैनर, और इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो अपनी मन चाहे जैसी करे। इट हैज़ टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन इन लेटर एंड स्पिरिट, और कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखना उनका पूरा राइट है, और वो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करती है। सो स्टूडेंट्स, ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।